Vasudeva Sutam Devam Kansa Chanuramardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Gurum. द्वादश अध्याय में अर्जुन के प्रश्न करने पर भगवान ने ये बताया कि निराकार और साकार इन दोनों की उपासना करने वालों में श्रेष्ठ कौन है। निराकार भगवान का और साकार भगवान का वर्णन करते समय ऐसा मैंने आपके सामने रखा था कि ये दो नहीं हैं, एक ही है, और जो इनको दो मानता है वो भगवान को नहीं जानता है और दूसरों को भी वो गुमराह कर देता है। जब तक हमारी समझ में ये नहीं आवेगा कि साकार और निराकार दो भगवान नहीं हैं, एक ही है, तब तक हम भगवान को जानने वाले नहीं कहला सकते। अब जो वर्णन चलेगा आगे, पहले है भक्ति का, क्योंकि भगवान भक्ति से ही बस में होते हैं, और पीछे वर्णन आवे का भगवान का, यानी भक्त का, कि भक्त कैसा होना चाहिए, क्या क्या लक्षण हो भक्त के अंदर, और फिर तीसरा विषय इसमें आवेगा कि धर्म क्या है। मैंने एक दो से नहीं, लाखों आदमियों से ये अपने कानों से सुना है, वो जानते नहीं धर्म किसको कहते, और करोड़ों आदमी इस समय भूमंडल पर ऐसे हैं जिनको धर्म के विषय में कुछ पता नहीं। इसलिए ऐसे ऋषियों की, ऐसे मुनियों की, ऐसे भक्तों की आज बड़ी भारी आवश्यकता है कि वो धर्म को समझे, ताकि दूसरों को भी धर्म का मार्ग दिखा सके, जिससे ये जीव पथ भ्रष्ट न हो और मनमाना मार्ग अख्तियार करके मनुष्यता से देवत्व को प्राप्त करने की बजाय वो असुर या राक्षस न बन जाए। आज बन रहे हैं, और उसका मूल कारण यही है कि उनको धर्म के विषय में पूरा पता नहीं है, और जरा जरा सी बात भी वो सुनते हैं तो उछल जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, और पता नहीं क्या क्या गंदा काम भी कर बैठते हैं, और फिर अपने को वो भक्त मानते हैं और धर्मात्मा मानते हैं। कितना आश्चर्य है, ये विडंबना है एक तरह। तो आज से अब भक्ति का वर्णन चलेगा। अर्जुन ने पूछा, महाराज भक्ति क्या है? भगवान ने कहा, अर्जुन भक्ति की बात तुम मुझसे सुन ले। सबसे पहला स्वरूप है भक्ति का, मन और बुद्धि मेरे अंदर लगाना। मन और बुद्धि यदि भगवान में नहीं लगी है तो बाकी जितने हैं वो सब भक्ति के आडंबर हैं, भक्ति नहीं। जिस समय मन भगवान की भक्ति, मन और बुद्धि भगवान में लग जाते हैं, तब वो भक्त कहलाने का अधिकारी होता है, और तब वो भक्ति को जानने का अधिकारी होता है। पहले मन और बुद्धि लगाना है, ये पहली शर्त है। इसलिए उस दिन भगवान ने जो कहा था मंत्र आठवां, मय्येव मन आधत्स्व और मयि बुद्धिं निवेशय। मन बुद्धि जब मुझे मिल गई,
तो निवशिष्यसि मयि एव, फिर तुम और मैं एक हो जाएंगे। अत ऊर्ध्वं न संशय, कोई संशय इसमें नहीं है, विदाउट एनी डाउट तुम भगवान और भगवान तुम ये एक हो सकते हो। लेकिन कब? मन और बुद्धि एक हो जाए, एक तरीका ये भक्ति का। लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है। अर्जुन पूछता है, महाराज मन बुद्धि अगर न लगे आपके अंदर तो कोई और ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे ये जीवात्मा आप परमात्मा को प्राप्त कर सके? प्रभु कोई ऐसा सरल मार्ग बताओ जो हमसे निभ जाए। भगवान बड़े दयालु, अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सब जगत के जीवों के कल्याण के लिए भगवान एक और बात बताते हैं कि अर्जुन कोई बात नहीं, मन बुद्धि नहीं लगता है, रहने दो। अथ चित्तम समाधातुम, ये नौवां मंत्र है, न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। ये इसी भक्ति योग का जो अभी आपने पाठ किया नौवां मंत्र है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम, अर्जुन अगर तू चित्त को मेरे अंदर स्थिर नहीं कर सकता है, ऐसा क्यों कहा भगवान ने? पहले कहा है मन और बुद्धि दोनों को मेरे अंदर स्थिर करो। मन और बुद्धि दोनों एक जगह स्थिर हो जाते हैं तो वो चित्त कहलाता है। तो इसलिए भगवान ने इसमें कहा कि अगर तू चित्त को मेरे अंदर नहीं लगा सकता है, यानी मन बुद्धि दोनों एक जगह नहीं लगा सकता है, क्योंकि हम कई हो जाते हैं। ये मैं इसको दो तरीके से बताता हूँ। मन और बुद्धि, जैसे ये देवियाँ घर में एक चिमटा रखती है ना, चिमटा, कोई गर्म बर्तन हो या गर्म चीज़ हो तो हाथ से नहीं उठाती, जानती हाथ जल जाएगा। तो जो चीज़ हाथ से नहीं उठा सकती है, यदि चिमटा पास में हो तो कितनी ही गर्म क्यों ना हो जट उठा लेगी। चिमटे में दो फलक होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, और दोनों एक जगह आ जाए तो कैसी गर्म चीज क्यों ना हो उसे झट पकड़ लेती है। ऐसे ही ये जीवात्मा सबको भले पकड़ ले आसानी से, लेकिन भगवान आसानी से काबू में नहीं आते। लेकिन जिसके मन और बुद्धि रूपी चिमटा जिनके पास है और दोनों एक जगह आ जाते हैं एक सीध में, तो भगवान झट पकड़ में आ जाते हैं। तो ये दोनों का एक होना बहुत जरूरी है। सूर्य में कितनी किरणें होती है कभी गिनी है आपने? हजारों किरणें होती है, कई रेज होती है। और कहते हैं सूर्य जो है वो एक प्रकार से अग्नि है, गर्मी तो होती है उसमें, लेकिन हजारों किरणें घास पर भी पड़ती है, कपड़े पर भी पड़ती है, हमारे सिर पे पड़ती है, कभी आग तो लगती देखी नहीं। हाँ एक बात है, अग्नि है फिर आग नहीं लगती है, क्यों? वो किरणें बिखरी हुई है। यदि आप मैग्नीफाइंग ग्लास ले ओ सामने करो, दो किरणें भी अगर इकट्ठी हो जाएगी उसी समय आग लग जाएगी, घास का ढेर जल जाएगा, और किसी के सिर पे करो तो सिर के बाल सब जल जाएंगे, चमड़े पर करो चमड़ा जल जाएगा। दो किरणें जहाँ इकट्ठी हुई और उनके अंदर एकदम तेज पैदा हो जाता है, ऐसे ही ये मनुष्य के पास जो किरणें हैं बड़ी जबरदस्त, एक मन और एक बुद्धि, इन किरणों को जब ये जीवात्मा एक कर लेता है तो एक करते ही दुनिया का कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता है। आवश्यकता है इन दोनों को एक जगह करने की। विषय भोग के समय हम एक कर लेते हैं, लेकिन भगवान के भजन के समय हम इनको एक नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। अभी भी हम लोगों ने भगवान ने भेद बांध रखे हैं। तो जहाँ यहाँ किरणें एक हुई और एकदम करंट पैदा होगी और भगवत दर्शन हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं हम कर सकते हैं दोनों को एक। भगवान कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम, अगर तू मुझ में नहीं कर सकता है, विषय में तो करता है,
तो भैया अर्जुन देख सुन ले बात तुझे हम आसान तरीका बताते हैं। बोला महाराज हाँ वो आसान बताओ कि अभ्यास योगे न ततो माम इच्छा तुम धनंजय। अभ्यास योग का तू अनुष्ठान कर, धीरे धीरे अभ्यास योग के द्वारा भी तुझे वही फल मिलेगा जो मन बुद्धि को एक करने वाले को मिलता है। लेकिन उसमें एक शर्त आ गई है, मन बुद्धि एक जगह है कोई शर्त नहीं है, लेकिन अभ्यास योगी के लिए शर्त है, उसको सीधे सीधे भगवान नहीं मिलते। शर्त क्या है? बोला अभ्यास योग के समय माम इच्छा तुम, इच्छा मुझको प्राप्त करने की होनी चाहिए, तब तो वो तुम्हारा अभ्यास योग बढ़िया है। और अगर मुझको प्राप्त करने का नहीं है इच्छा तुम्हारी, तब वो अभ्यास योग भी तुझे ऊपर ले जाने की बजाय नीचे ले जाएगा। अभ्यास योग समझते हो ना, अभ्यास किसे कहते हैं? एक ही चीज को बार बार करना, उसकी कई पुनरावृत्तियां कर डालना, इसको अभ्यास कहते हैं। जैसे हम जप करते हैं राम 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 राम, जपते ही चले जाएं, गायत्री मंत्र जपते हैं 24,00,000 जप लें, बारंबार एक ही चीज को करते रहने को अभ्यास कहते हैं। पाठ रोज करो गीता का, रामायण का, भागवत का, तो इसी को अभ्यास योग कहते हैं। एक ही पद्धति का कई पुनरावृत्ति हो जाए, मंदिर में जाओ लेकिन रोज जाओ, नमाज पढ़ो बारंबार पढ़ो, दिन में 5 बार पढ़ो, पाठ करो ग्रंथ साहब का या रामायण का या भागवत का या गीता का, बारंबार करो, इसको कहते हैं अभ्यास। अभ्यास करने से ज्ञान बढ़ता है, और अभ्यास करते करते एक दिन जीवात्मा तद्रूप हो जाता है, जिस चीज का अभ्यास करता है वो वही चीज उसकी हो जाती है। तो कीर्तन, भजन, पूजन, आरती, व्रत, दान, तीर्थ स्नान, पाठ, गुरु सेवा, ये सब अभ्यास योग है। तो अभ्यास योग को करो, लेकिन अभ्यास योग जो है उसमें शर्त ये है, मुझको प्राप्त करने की इच्छा से करो। नाम प्राप्त करने के लिए या दाम प्राप्त करने के लिए आजकल जो कथाएं और प्रवचन होते हैं नहीं? तो ये काम के नहीं है, भगवान ने उनको नहीं कहा है। एक आदमी था, उसको बड़ा अच्छा, उसने अभ्यास करते करते ऐसा अभ्यास किया उसने कि वो समाधि लगा लेता था, और हार्ट बीटिंग, पल्स बीटिंग सब स्टॉप। बड़े बड़े डॉक्टरों ने आके देखा और हैरान हो गए कि ये पल्स बीटिंग बंद हो गया और हार्ट बीटिंग भी स्टॉप कर दिया, और फिर भी वो आदमी जिंदा रहा। बस इसी क्रिया के अंदर वो खूब पैसा कमाया उसने, जहाँ जाए वो ये दिखावे अपनी कर, और बड़े पैसे कमाने लग गया। घूमते घूमते एक दिन एक राजा के पास पहुँच गया। राजा ने जब सुना कि समाधि लगती है, राजा ने कभी शास्त्र तो पढ़े नहीं थे, संत सेवा करी नहीं थी, उसने सोचा कि समाधि लग जाते हैं उसको भगवान मिल ही जाते हैं। तो उसने कहा कि आप समाधि लगा लेते हैं? और उसने कहा कि हाँ हम समाधि लगा लेते हैं। बोला महाराज पे समाधि लगाओ। तो कहा क्या दोगे? राजा ने मन में सोचा जब ये समाधि लगा लेता है तो इसको देना क्या है, इसको मैं मेरा राज दे दूंगा और मैं इसका चेला ही बन जाऊंगा, मन में सोचा। फिर भी राजा ने हाथ जोड़ के कहा महाराज जो आप मांगो, जो आप आज्ञा करोगे वही दे दूंगा। बोला नहीं नहीं बताओ दोगे क्या? बोला महाराज बताना क्या है, जब मैंने आपसे कहा आप जो आज्ञा करो वही दे दूंगा। उसने इधर उधर देखा तो वो, क्योंकि सब जगह गांव गांव में घूम घूम करके ये अपनी बताया करता था क्रिया, समाधि लगाना। आजकल कई लोग आसन वासन की दुकानें खोल रखी है ना, और फीस लेते हैं खूब, लाखों रुपए कमाते हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस है,
एंड बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट, लॉस का नाम ही नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, जो आवेगा कुछ दे ही जाएगा, बदले में ले जाएगा कुछ नहीं। तो अच्छी दुकानदारी इन्होंने इसको बना ली है। तो उन्होंने कहा, उसने इधर देखा कि मैं सब जगह जाता हूँ तो सवारी की बड़ी तकलीफ रहती है। तो राजा की एक बहुत बढ़िया खास काली घोड़ी थी जिस पर राजा खुद चढ़ता था। उसने कहा इधर उधर देखे, कहने लगे काली घोड़ी मुझे दे देना। राजा ने कहा बेटा काली घोड़ी क्या मांग रहे हैं, मैं तो सारा राज देने के लिए तैयार था। उसने कहा महाराज मेरा सब कुछ आपका है। बोला नहीं काली घोड़ी दोगे वचन दो। मैं वचन दे दिया काली घोड़ी दे देंगे। अब उसने जो महाराज वो समाधि लगा ली, समाधि लगा तो ली, उसका नाम था कल्लू। वो कल्लू महात्मा ने समाधि तो लगा ली लेकिन समाधि उतारनी भूल गए। अब कुछ दिन तक बैठे रहे समाधि में, राजा रोज आवे सवेरे फूल चढ़ा दें अगरबत्ती चढ़ा दें। बोला धन्य हो महात्मा हमारे घर में बड़े अच्छे आए, समाधि लगा ली। कुछ दिन के बाद राजा मर गया अचानक ही, हार्ट फेल हो गया। राजा लोगों का हार्ट फेल जल्दी होता है, पीते बहुत है ना, पीने वालों के हार्ट फेल कब होंगे कुछ पता नहीं है। तो राजा साहब का हार्ट फेल हो गया। जब वो राजा मर गया तो दूसरा राजा गद्दी पर बैठा। उसने पूछा अपने दीवान साहब से कि ये क्या है हमारे महल में। उसने कहा ये महात्मा हैं, समाधि लगाए हुए हैं। बोला अच्छी बात है, पिताजी ने रखा है, रहने दो। उसने भी बेचारे ने अपने पिता की तरह उसकी पूजा आरती करनी शुरू कर दी। कुछ दिन के बाद वो भी मर गया। मैंने बताया राजा लोग जल्दी मरते हैं। मेरा जन्म हुआ था जोधपुर में, राजस्थान में है जोधपुर स्टेट, और मेरे सामने वहाँ पांच राजा मर चुके हैं, मैं अभी जिंदा हूँ। पहले एक राजा गद्दी पर बैठा मर गया, दूसरा बैठा वो भी मर गया, तीसरा बैठा वो भी मर गया, चौथा बैठा वो भी मर गया, पांचवा आ गया। तो पांच पीढ़ी खत्म हो गई। इन राजाओं की बड़ी जल्दी खत्म होती है पीढ़ी। तो उसने वो दूसरा भी मर गया राजा, तो तीसरा गद्दी पर आया, चौथा आया। उसने कहा कि दीवान जी ये तमाशा क्या है हमारे घर में। कहने लगे महाराज ये कोई समाधि लगाए महात्मा। तो बोला महात्मा समाधि लगावे तो जंगल में लगावे या गंगा घाट पर लगावे, यहाँ हमारे घर में आके कहाँ लगाए हैं। बोला किसने, हमारे पिताजी ने रखा था। बोला नहीं। बोला दादा ने रखा। बोला नहीं। बोला परदादा ने रखा। बोला नहीं। तो बोला इनको यहाँ से दफा करो। बोला वो मॉडर्न टाइप का था, सुधरा हुआ था। उसने कहा घर में इनकी क्या जरूरत है, तो इनको यहाँ से उठा करके और ले गए गंगा किनारे। वहाँ पर एक रेत में अच्छा सा मकान बना दिया और उसमें उसको बिठा दिया और कहा कि आप महाराज आप यहीं अपनी समाधि लगाए रखो, हमारे महल में आपने जगह घेर रखी है। और बात भी ठीक है, अभी हम यहाँ आए केवला नहीं के, यहाँ एक दो दिन चार दिन हफ्ता दो हफ्ता ठहर जाएं तो ठीक है, लेकिन हम ढाई बरस तक यहीं डटे रहें तो घरवाली और बच्चे बच्चे कहेंगे कि महाराज कहीं और जगह देखो अपना स्थान। तो महात्माओं को और सांप को हमेशा एक जगह नहीं रहना चाहिए। उनको ले जाके वहाँ बिठा दिया। लेकिन वारे वार धन्य है मेरी ये बेटियाँ, ये बड़ी धर्मात्मा, ये वहाँ पहुँच गई। रोज इनके प्रसाद चढ़ावें, फूल चढ़ावें, बच्चे को ले जावें, उनका सिर झुकावें और बड़ा आनंद उसके वहाँ होने लगा। देव योग से एक दिन बाढ़ आ गई। नदियों में अक्सर बाढ़ आती ही है, कब आती है पता नहीं। नदी तीरे च ये वृक्षा, नीति में श्लोक आता, पर गे सुकामिनी ससर्पे च ग्रहे वासो मृत्यु रेव न संशय। कोई पता नहीं है किस में मृत्यु आ जाएगी। नदी के किनारे पर तो भर्तृहरि महाराज ने भी नदी के बारे में और साथ ही साथ इस संसार के बारे में बड़ा अच्छा एक श्लोक कहा है। भर्तृहरि शतक पढ़ने लायक है, हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उन्होंने तीन शतक लिखे हैं, श्रृंगार शतक भी है, उसको तो नहीं पढ़ना चाहिए भले आदमियों को। बाकी
नीति शतक बहुत उत्तम है। उसमें एक एक श्लोक है, वयम येभ्यो जाता चिर परिगता एव खलु ते समं यै संवृद्धा स्मृति विषयतां तेऽपि गमिता इदानीमेते स्मा प्रतिदिवस मासन्न पतनात् गतास्तुल्यावस्थां सिकतिल नदीतीरतरुभिः। भरत श्री हरि महाराज कहते हैं, वयम ये भ्यो जाता, जिन्होंने हमको पैदा किया, जिनसे हम पैदा हुए हैं, चिर परिगता एव खलुते, वो सब के सब मर गए हैं और काल बीत गया है, अब उनके चेहरे भी हमको याद नहीं है। वैसे दादा और दादे का भाई और पिताजी या पिताजी के बड़े भाई सब थे, लेकिन आज उनका चेहरा भी जो है उन वो भी डिम हो गया, बिल्कुल स्मृति नहीं है। शायद मिल जाएं आज फिर हम, तो न वो हमको पहचान पाएंगे और न हम ही उनको पहचान पाएंगे। कहते हैं चिर परिगता एव खलुते, काल बीत गया, उसको याद ही नहीं है, स्मृति नहीं रही। कहने लगे ये अब है, इनकी तो है, ये तो है। बोला नहीं, समम यही समृद्धा स्मृति विषयताम तेऽपि गमिता, जिनके हम साथ खेले और साथ हम बड़े हुए और साथ ही हम पढ़े हैं, वो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी चले गए हैं और उनकी भी अब स्मृति भी नहीं, मेमोरी भी नहीं हमको आती। जब कैसे कई कभी कभी याद भूले बढ़ते आते हैं। बोला वो भी चले गए, हाँ जिन्होंने पैदा किया वो भी मर गए और जिनके साथ पढ़े खेले और बड़े हुए वो भी सब मर गए, तो कोई बात नहीं है, अब तो है, इन्हीं के साथ खेलो, लल्ला रे लल्ला है और क्या, इन लल्ला लल्ली के साथ ही खेलो। तो भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि इदानी मेते स्मा, ये जितने भी अभी हमारे पास बैठे हैं, प्रतिदिवस मासन्न पतनात्, ये सब रिटर्न टिकट लिए बैठे हैं और क्यू लगाए खड़े हैं, कब गिरेंगे पता नहीं। कल जिसका सुना था कि वो रात को हमारे साथ चला था और खूब वहां खाना वाना खाया था, गाना वाना गाया था, आज सवेरे खबर मिली कि वो जैसी आराम कर गए, तो क्या पता है। बोला ये जितने साथी हमारे हैं, भर्तृहरि महाराज कहते हैं, सब क्यू में हैं, किस समय किसकी बारी आती है पता नहीं। इदानी मेते स्म प्रतिदिवस मासन्न पतनात्, और ये सब गिरते ही चले जा रहे हैं, चढ़ते नहीं हैं, क्यू में तो चढ़ते हैं बस के ऊपर, इसमें चढ़ते नहीं हैं, इसमें गिरते हैं। बोला कैसे गिरते हैं, तो एक दृष्टांत देते हैं, गतास्तुल्यावस्थाम, जो पहले सब गए हैं उन्हीं के तुल्य यानी उन्हीं की भांति ये भी जाएंगे, लेट के ही जाएंगे, खड़े खड़े नहीं हैं। गतास्तुल्यावस्थाम, और ऐसे कैसे गिरते हैं। बोला महाराज कैसे बतावें, उन्होंने दृष्टांत दिया, सिकतिल नदी तीर तरुधी, नदी का किनारा और किनारा हो बालू रेत का और उसमें खड़े हो पेड़, और फिर आवे नदी में बाढ़ और धीरे धीरे रेत जाए खिसकती हुई, पेड़ों का क्या हाल होगा, धड़ाम 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 करके एक एक जब नदी में चले जा रहे हैं, बहते हुए चले जा रहे हैं, ऐसे ये संसार सागर जी रूपी जो नदी है और इसके बालू रेत के यानी विषय रूपी किनारे में हम सब लोग खड़े हैं और एक एक करके धड़ाम धड़ाम पड़ते जा रहे हैं, फिर भी विषय नहीं छोड़ते हैं और भगवान को नहीं पकड़ते हैं, है ना, बड़ी हिम्मत का काम ये भी, बड़ी बहादुरी का काम है। तो ऐसे भगवान ने इसका वर्णन किया, तो वो कल्लू घाट वहाँ बाढ़ आ गई नदी में, फिर आ जाओ उसी पर पॉइंट पे, बाढ़ आ गई नदी में,
नदी के किनारे के सब पेड़ बह गए, ये भी मकान किनारे पर था, तो जोर से बाढ़ आई, धड़ाम से बिल्डिंग गिर पड़ा, ये बिल्डिंग गिर पड़ा, गुफा अंदर थी। कुछ दिन के बाद जब बाढ़ नीचे उतर गई तो लोगों ने देखा क्या पानी चला गया, ये बिल्डिंग तो गिर पड़ा है, बोला इसको बनावे कौन, अपना मकान हो तो हरेक बना ले फिर नया है, अब कल्लू भांड का जो मकान था कौन बनावे, बोला चंदा करेंगे, तो चंदा चंदे में हो गई देरी। इसी बीच में एक महात्मा उधर से निकल आए, ये तो मैंने हमेशा मैं कहा करता हूँ सांप और साधु ये एक जैसे ही होते हैं, ये अपना मकान बना के नहीं रहते हैं, दूसरे के बने बनाए मकान में घुस जाते हैं, और जितना मन आया रहा फिर छोड़ा, फिर दूसरी जगह चल दिए। तो एक साधु आया, बोला कहाँ ठहरे हैं, सोचा कि नदी का किनारा है, गंगा का किनारा, यहीं बैठ के भजन करेंगे, और ये पत्थर पड़े हुए हैं, वो गिर गए ना मकान, तो इन पत्थरों को खड़ा करके एक छोटी सी कुटिया बना लेंगे, यहीं बैठ जाएंगे। तो पत्थर खड़ा करने के लिए उन्होंने मिट्टी हटाई, तो बोला यहाँ फिर खड़ा करेंगे, तो मिट्टी हटाने लगे तो नीचे आवाज़ आई पोली पोली, बोला अरे इसके नीचे तो गुफा बनी बनाई है, महात्मा जी को अब कुछ नहीं बनाना है, चलो गुफा में घुसो। तो झट से उन्होंने सारी मिट्टी हटाई और वो पत्थर उठाया, पत्थर उठाया तो नीचे सीढ़ियाँ लगी हुई गुफा में जाने की, महात्मा जी झट गुफा में घुस गए। और जो ही गुफा में गए तो क्या देखा कि वहाँ एक दूसरे महात्मा बैठे समाधि लगाए हुए। अब तो उसने देखा कि ओहो ये महात्मा यहाँ बैठे हैं, लेकिन जान गए कि ये अरसे से समाधि लगाए हुए हैं और समाधि इनकी खुली नहीं है। कुछ देर बैठने के बाद वो ये भी समझ गए कि इनकी समाधि खुलती भी नहीं है, अरसे से हैं ये, इनको समाधि उतारनी आती थी, तो इन्होंने धीरे से उनकी समाधि जो है वो उतार दी। समाधि उतरते ही कल्लू की आँख खुली, खुलते ही कहने लगा लाओ मेरी काली घोड़ी। अब महात्मा ने कहा कि ये कैसा महात्मा है, काली घोड़ी मांग रहा है, आजकल महात्मा पैसा मांगते हैं, तो काली घोड़ी मांगी उस बेचारे ने। उसने कहा कौन सी काली घोड़ी, कहने लगे कि कैसे काली घोड़ी का वचन दिया था कि नहीं, तभी तो मैंने समाधि लगाई थी। महात्मा समझ गए कि ये महात्मा नहीं है, ये व्यवसायी महात्मा है। कहने लगे अच्छी बात है भाई, तुमने किसे वादा किया था, बोला राजा साहब से, मैंने कहा चल तुझे राजा के पास ले जाएं। तो उसको वहाँ ले गए, पता लगा कि किसने इनसे वादा किया था, उन्हीं ने बताया कि वो तो उसके बाद तो पांचवा राजा हो गया है, चार राजा मर गए हैं, पांचवें राजा के पास गए, उन्होंने कहा महाराज जितने रुपये चाहिए ले जाओ, तो घोड़ी मर गई, तो घोड़ी भी मर गई, और इतने दिन तक समाधि में बैठे रहे बेचारे कल्लू भांड। तो कहते हैं तुम जो भी करो ये घोड़ी के लिए या पैसे के लिए या नाम के लिए मत करो। आजकल बहुत सारे हमारे धर्म का पतन क्यों हुआ है, बड़ी संस्थाएं खुल गई है, और सिर्फ संस्था में होता कुछ नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट हम बने हुए हैं, हमारा नाम आता है नीचे जब कागज़ छपता है तो फलांचन प्रेसिडेंट, और इसीलिए एक संस्था दूसरे संस्था की मदद करना तो दूर रहा, उल्टी टांग पकड़ के खींचते हैं कि हम ऊपर नहीं चढ़ते हैं, तुम कैसे ऊपर चढ़ जाओगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, क्या कभी ऐसा दिन आवेगा कि ये धर्मात्मा लोग अपनी सारी संस्थाओं को समाप्त करके और एक सनातन धर्म सभा कर लेंगे, पर नहीं करेंगे, मुझे पता है इनको तो जब तक कोई अच्छा सबक नहीं मिलेगा भगवान की तरफ से, तब तक ये धर्म में भी ऐसी धांधली मचाए रखेंगे जैसी अपने और धंधों में मचाए हुए हैं। तो इसलिए कहा कि वीतराग महात्माओं के पास धार्मिक संस्था होनी चाहिए, और वो भी शास्त्र के ज्ञाता और निर्लोभी और ब्राह्मण वंशी होना चाहिए। ये चारों वर्ण ये मैन मेड नहीं है, जो मैन मेड कहते हैं वो मूर्ख है, चार वर्ण जो है ये गॉड मेड है, गॉड मेड चीज को कोई मिटा नहीं सकता, और गॉड मेड चीज ही असली है, लेकिन ये जो मैन मेड है उसमें झूठा घमंड है लोगों को,
ये झूठा घमंड निकलना चाहिए। इसलिए मैं रोज जोर देता हूँ कि गीता के ज्ञान की आवश्यकता है। इसको समझने के बाद हमें पता लग जाएगा कि चार वर्ण अत्यंत आवश्यक है और ये गॉड मेड है, और इसका घमंड जो करता है वो मूर्ख है, वो वर्ण व्यवस्था को जानता ही नहीं है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये भगवान के वचन है, एक बार आप भी बोलो, चातुर्वर्ण्यम मया मने मेरे द्वारा रचे गए। क्या चार वर्ण? कभी और समय विषय आएगा तो इसको छेड़ेंगे, आज तो भक्ति की बात चल रही है। तो कल्लू भांड की तरह हम समाधि या भक्ति या मंदिर या सभा या संस्था न खोलें अपने स्वार्थ के लिए, और हम ये खोलें परमार्थ के लिए। तो भगवान ने इसलिए शर्त लगाई, अभ्यास योग करना है अगर अर्जुन तो माँ मिच्छा तुम धनंजय, नौवां मंत्र है पढ़ लेना। अर्जुन ने कहा महाराज हम अभ्यास करें और फिर आपकी इच्छा करें, ये दोनों बातें जस्ती दें। कोई ऐसा आसान तरीका बताओ कि अभ्यास तो हम अपने घर वालों के लिए करें, कमावें और उनको दें, क्यों घरवाली के लिए साड़ी नहीं लाए तो मुश्किल, घर में जाते ही घुर्राएगी वो, और बच्चों के लिए कुछ ना लाएं तो मुश्किल, बच्चों का क्या होगा, हम तो सबके ठेकेदार हैं ना। तो महाराज फिर हमें आपकी क्या जरूरत है, आप हमें पहले यही काम कर लेने दो। भगवान कहते हैं कि जब ये करना है अर्जुन तो वो अभ्यास योग सफलीभूत नहीं होगा, मेरी इच्छा हो, लेकिन अगर तू नहीं ये कर सकता है तो ले मैं तुझे एक और आसान तरीका बताता हूँ, तीसरा तरीका। पहला बताया क्या, मन बुद्धि स्थापित करना, तुम नहीं कर सकते हो तो अभ्यास योग करो, लेकिन शर्त के साथ कि मुझको प्राप्त करने के लिए अभ्यास योग होगा। कहो भाई ये भी नहीं हो सकता है तो अच्छा तुम्हें तीसरा बताऊं आसान। अर्जुन ने कहा महाराज आसान बताओ कोई ऐसा जिसमें हम घर में रह करके भी कर सकें। तो भगवान ने तीसरा बता दिया, अभ्यासेप्य समर्थोसि। अरे अर्जुन अगर तू अभ्यास योग के लिए भी असमर्थ है, तो मत कर्म परमो भवा, मदर्थम अपि कर्माणि पूर्वं सिद्धिम अवाप्सि। अर्जुन अगर अभ्यास योग में भी तू असमर्थ है तो मदर्थ कर्म कर, जो मदर्थ कर्म होगा, मदर्थ कर्म माने मेरे लिए कर्म कर, जो कर्म करता है ये कह दे हम भगवान के लिए करते हैं। ये भोजन क्या बना रहे हो भाई, बोले आज पकोड़े बनने चाहिए, पकोड़ा बनाओ कोई बात नहीं, हलवा बनाओ, बना के क्या कहो, बोले ये भगवान के लिए, ठीक है ये तो होगा कि नहीं, खूब खाओ हलवा, लेकिन हलवा बनाते समय ये कहो ये भगवान के लिए, मकान बनाओ खूब और कहो ये भगवान के लिए, कपड़ा सिलवाओ खूब और कहो ये भगवान के लिए, सब काम भगवान के लिए, बच्चे पैदा करो खूब और कहो ये बच्चे किसके, बोले भगवान के, ये भी शर्त है इसमें भी कि मदर्थ हो, मेरे लिए हो, ये नहीं बच्चे पैदा किए और कहे रोने लगे, बोला रो क्या रहे, बोला बच्चा मर गया, अरे तो क्यों मर गया, तो भगवान का था ना, जब पैदा तुमने कहा भगवान का है, मैंने पूछा सेठ से ये कौन है, बोला जी ये भगवान का लड़का है, मैंने कहा आपका नहीं, बोला नहीं जी भगवान का है, दूसरे दिन मर गया, बोला रो क्यों रहे हो सेठ जी, बोला बच्चा मर गया, मैंने कहा तुम्हारा मरा कि भगवान का, भगवान का मरा तो भगवान रोवे तुम क्यों रोते हो, नहीं तब हम बच्चे के बाप तो मैं हूं, और खाली हम झूठ मूठ कहें कि भगवान का है ये ठीक है, जिसका भगवान कहते तू बाप क्यों बनता है इसका, कहते हैं स्वामी जी क्या करूं ये जिम्मेवारी है, इतनी की शादी करूं, तुम्हारी किसकी जिम्मेवारी है, तुम अपनी जिम्मेवारी तो निभा ही नहीं रहे हो कि मनुष्य देव तुमको जिसने दी है उसकी सेवा करो और उसको प्राप्त करो, और दूसरे की तुम जिम्मेवारी निभाने जा रहे हो, और बच्चा बड़ा हुआ और किसी बीवी को लेकर चलता बना तो कहेगा नालायक ऐसा बेटा नहीं होता तो अच्छा था, अब फिर ये कहते हैं क्यों भाई जिम्मेवारी निभ गई कि नहीं, अब जिम्मेवारी कहाँ गई,
अभी कहो कि कोई बात नहीं, वो और जिस मैत्रानी को वो लेके आया दोनों की सेवा करेंगे, जिम्मेवारी है ना। पर नहीं, अब कहते मेरा इसे कोई वास्ता नहीं, कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं मेरे नाम पर, अखबार में छपाते हैं मेरे नाम से, बच्चे को कोई देगा लेगा, मैं जिम्मेवार नहीं। तो इस जीव का कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं मदर्थ कर्म करो, बनाओ रोज पकोड़े, कौन कहने मना करता है तुम्हें, लेकिन कहो ये भगवान के लिए हैं, उस समय हम आ जाएं तो हमको भी दे दो थोड़े से। तो भगवान कहते हैं मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अर्जुन कहता है महाराज मुश्किल तो ये भी लग रहा है, बच्चे हम पैदा करें, बाप हम दूसरे को कैसे मान लें इनका, मकान हम बनावें और मालिक हम दूसरे को कैसे मान लें, प्रसाद हम बनावें और अपने लिए बनावें दूसरे का कैसा मान लें। महाराज कोई और तरीका बताओ, कोई आसान तरीका नहीं है। भगवान ने कहा अर्जुन आसान है, एक और आसान है। कहने लगे महाराज फिर वही बताओ। देखिए भक्ति के तरीके भगवान ने कितने सुंदर बताए हैं। मन बुद्धि मेरे में लगाओ, नहीं लगा सकते हो अभ्यास योग करो, अभ्यास योग भी नहीं कर सकते हो उसमें भी नाम और दाम की भूख घुसी हुई है, जाने दो, मदर्थ कर्म ही करो, सब तुम कर्म अपना रखो, मदर्थ करो मेरे लिए समझ लो खाली। अगर तुमने कर भी दिया भगवान के लिए प्रसाद, तो भगवान उठा के थोड़ी ले जाएंगे तुम्हारा हलवा, क्यों बेटे तुम्हारे पकौड़े ले जाएंगे सब भगवान, नहीं ले जाएंगे, बस उनको चढ़ा के भोग लगा के खा जाओ घर वाले। और ये भी बात है जो बिना भगवान के भोग लगाए खाता है अगले जन्म में वो मर के कुत्ता होता है, ये भी सोच लेना। तो हमेशा जब भी भोजन बने पहले भगवान की जिसने दिया है उस मालिक के अर्पण कर दो और फिर खा लो, वो अमृत बन जाएगा और पाप भी नहीं लगेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब आप भगवान के भोग लगाओगे तो भगवान खावेंगे नहीं बल्कि आपको और दूना दे देंगे। पर कितने नमक हराम ये आदमी है कि जिस ईश्वर ने दिया है खाना और खाने की शक्ति दोनों दी है और फिर भी उसके अर्पण न करके और खुद खाने लग जाता है, मोतिये कुत्ते की तरह प्लेट में हाथ मारना शुरू किया और सब चाट गया। तो इसलिए भगवान के अर्पण करके तब भोजन करो, यही सनातन धर्म का हमारा बड़ा भारी एक नियम है कि जो भी लो पहले भगवान के अर्पण करो तब लो। आप सुन लो, ये भी नहीं कर सकते भाई, मदर्थ कर्म भी नहीं। तो भगवान ने कहा अर्जुन मैं तुझे एक चौथा बताता हूँ। कहने लगे हमारा चौथा बताओ, ये तीन तो मुश्किल है। भगवान ने चौथा बता दिया, अभ्यास मत कर्म हो गए ना, अथई तदप्य शक्तो सी कर तुम मद्योग माश्रिता। अगर अर्जुन तू ये भी नहीं कर सकता है कि सब मेरे निमित्त करे, तुझे धन मैंने दिया और वो धन तू मेरे निमित्त नहीं करता है, तुझे बैंक का नौकर अच्छा है, जो धन कमाता है सब बैंक का कर देता है बेचारा, है त्यागी कि नहीं, और कभी उसमें से उठा के जेब में डाल के नहीं लाता। तो और तू सारा का सारा ये जितना मैंने दिया है सब हड़प कर जाता है, झूठ मूठ भी मेरे अर्पण नहीं करता है। अरे झूठ मूठ भी कर दे भगवान राजी हो जाए, सचमुच भगवान झूठ मुख से ही बड़े राजी होते हैं। अब आप रोज भोजन आपका बने, आप प्लेट भर के रख दो और कहो प्रभु ये तुम्हारे भोग लगा रहा हूँ इसको आप पाओ और उसके बाद आपका प्रसाद मैं पाऊंगा, ये झूठ मुख भी आपका अमृत बन जाएगा। भगवान सचमुच थोड़ी ले जाएंगे आपकी प्लेट उठा करके, करके तो देखो जिसने दिया है उसके प्रति इतना तो करो। तो भगवान ने कहा अच्छा तू और सरल सुन ले, अथई तदप्य शक्तो सी कर तुम मद्योग माश्रिता। चौथा क्या कि सर्व कर्म फल त्यागम ततः गुरु यतात्मवान। बोला अर्जुन एक और चीज है, अगर तू कुछ भी नहीं कर सकता है तो इतना जो मन में आवे सो कर, लेकिन फल के साथ अटैचमेंट मत रख बस। तो हम कहाँ रखते हैं अटैचमेंट फल के साथ, बड़ा प्यारा बेटा बड़े प्यारे पिता हैं, अगर मर जाए तो उनको जला देते हैं कि नहीं, हैं अटैचमेंट है उनसे, कोई साथ में तो नहीं जलता। आप जितने भी भाई बहनियां बैठे हैं
आपके घर में दादे परदादे या कोई प्यारा तो कभी न कभी कोई मरा ही होगा, उसमें उसके लिए उसके साथ आपके घर वाले कितने थे जो और जल के मर गए? कोई नहीं मरता। कहते हैं अगर हम उनके साथ जल जाएं तो पीछे पकोड़े कौन खाएगा? हम तो दसवें दिन उनका 10 दिन तक माल खाएंगे। तो हमारा अटैचमेंट तो है ही नहीं उनके साथ। तो कहते हैं ये अटैचमेंट तो नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं ततः कुरु यतात्मवान, लेकिन इंद्रिय कंट्रोल नहीं है। क्यों? जब वो मरता है तो रोना शुरू करते हैं, भौं भौं रोते हैं, और भौं भौं रोने के बाद फिर खाते हैं, फिर उसको निकाल तो देते हैं। तो बोला यतात्मवान होकर के, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के और इंद्रिय पर कंट्रोल करके, और फिर इसको सहन कर ले। कर्म फल का त्याग तो वैसे भी करना है। हमने मकान बनाया और मकान गिर पड़ा, हमने कपड़ा सिलवाया, कपड़ा मैला हो गया, फट गया या जल गया, त्याग करते हैं कि नहीं? क्या माताएं करती हो ना, कितनी साड़ियां बदल चुकी हो। तो ये अब थोड़ी चूड़ियां और अंगूठियां मुझे दे दो। कहते ऐसे कैसे दे देते हैं? हाँ, त्याग तो करेंगे, लेकिन ये ऐसे कब दे सकते हैं? कब? जब मन और बुद्धि और इंद्रियां कंट्रोल में हो, तब कहेंगे ये ले लो आप। लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसा समर्पण कर दो कि ये जो कुछ भी है ये तुम्हारा ही है समझो, लेकिन ये तुमसे अलग हो जाए तब रोवो मत, समझो भगवान की चीज भगवान ने दी। तदीय वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पय, हे प्रभु तुमने दिया था और तुम्हारी चीज है, तुम्हारा हक है, तुम ले जाओ। कहते हैं ऐसा कैसे कर दें स्वामी जी, इतने दिन हमने उनको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। अच्छा भाई, तुम पैदा हुए जो तुम्हारा बेटा साथ में था? किसी के नहीं था साथ में। क्या माता है, पैदा हुई तब बेटा साथ में था? अच्छा जाने दो, जिस दिन शादी हुई थी तब बेटा साथ में था? तो ये कब आया? कहते आया तो बाद में। तो बाद में आया, उससे इतना अटैचमेंट क्यों? जो पहले तुम्हारे साथ है परमात्मा, उसके साथ अटैचमेंट क्यों नहीं? कहते हैं कुछ दिन उसको हमने पाला पोसा है, अटैचमेंट तो हो गई ना। आप तो बाबा जी हो, आपके क्या है, आपके ना बेटा ना बेटी, हमने पैदा किया है। तो भाई हम जब गंगा स्नान करने जाते हैं ना, तो एक वो घाट पर बैठा रहता है जो तिलक विलक करता है, तो हमने कपड़े उतार करके उसको दे दिए और स्नान करने चले गए। चार जने गए, चारों स्नान करने गए, कपड़े जो थे मेरे तो खैर कुछ नहीं थे, लंगोटी थी बाबा जी की तो, लेकिन हमारे साथ बाबूजी थे, उनका सूट भी था, पैंट कोट वगैरह और घड़ी और पर्स और उसमें नोट सब थे, वो रख दिए, नहाने चले गए। जब वापस आके मांगे तो वो कहता है नहीं दूंगा। बोला क्यों? बोला मैंने इतनी देर रखा है, मेरा इनके साथ अटैचमेंट हो गया है। अरे तेरा अटैचमेंट हो गया है, पुलिस को बुलाओ। पुलिस आई, पुलिस ने कहा ये तुम्हारे हैं? बोला जी हाँ। बोला कैसे तुम्हारे हैं, तू जब घर से आया तब ये लेके आया था यहाँ? बोला नहीं। तो जब तुमने यहाँ आसन बिछाया उस समय ये था? बोला तब भी नहीं था। बोला यहाँ तुम कितने साल से हो? बोला कि 8 साल से। तो 8 साल तक ये कपड़े थे तुम्हारे पास? बोला नहीं। तो बोला आज ही आए हैं। तो आज आए हैं तो अब क्यों नहीं देता है? बोला जी कोई कुछ इतने घंटे मेरे पास रहे हैं, मेरा इसे अटैचमेंट नहीं होगा। तो पुलिस कहेगी कि अच्छा अब तेरा अटैचमेंट है तो तू चला हमारे साथ, बड़ा पक्का मकान तो रहने के लिए और मुफ्त की रोटी खाना। समझ गए कि नहीं? कौन सा घर? जेल खाने में। इसी तरह आप हंस क्यों रहे हो? आप इस घाट के पंडा हो और क्या हो? ये संसार भी घाट है, ये सारा संसार समुद्र घाट है, और यहाँ तुम बैठे हो, थोड़ी देर के लिए तुम्हें कुछ चीजें दिए भगवान ने, और अब तुम कहते हो कि इससे हमारा अटैचमेंट है, और जब जावे तो सिर पर हाथ रख के रोना शुरू करते हो। बोला क्यों? तुम साथ लाए थे? बोला साथ तो नहीं लाए थे माँ के यहाँ से। तो बोला कि बाद में मिले हैं, अब अटैचमेंट हो गया। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम।